दोस्तों, 8 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन करीब 400 वर्षों पश्चात एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी उत्पन्न एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गजकेसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और यदि इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है, और 8 दिसंबर को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्तिक से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मनाई जाती है। उत्पन्ना का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके पश्चात से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। स्वास्तिक सुखा से बना है। सुखा अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या और का अर्थ कर्ता करने वाले से है। इस तरह स्वस्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला, ऐसा बताया गया है। शास्त्रों में वर्णित है स्वस्तिक सर्वदा रुद्र, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो, इस तरह स्वास्तिक। एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति खास का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मेन खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं, और इनका आकार भी एक समान ही होता है। रघुवेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है, और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजा इशारा करती है, और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वस्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है, और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है, जो संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक है। ये है स्वास्थ्य महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए। आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से दोष दूर हो जाता है, इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, घर से क्लेश, कलह, बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक की देखा होगा,
परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे के उपाय अलग होते हैं। यदि जीवन बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवा कर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये, या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दे के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं। तो ज्यादा बड़ा मत, 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। यदि आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता, ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा। दोस्तों, एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो घास भी डालकर नहा सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक मेन कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें, पश्चात में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में यदि एक लोटे जल में एक काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृ देव की खास कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक खास उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और पश्चात में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई हैं तो उसको ही पूज करके वापस रख दें। दोस्तों, एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं, फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाएं, मंगलाचार कीजिए। यह स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में एकादशी के दिन खास मंत्र का जाप अवश्य करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें।
देवोत्थान एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें छुटकी हल्दी, दो चार बूंदें, थोड़ी सी मिश्री और एक छुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और पश्चात में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर हैं तो इस सिक्के को मैं रख कर निकले, आपको कार्य में सिद्ध अवश्य हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक, तुलसी के नीचे एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन अवश्य जलाएं। पूजा के पश्चात आरती अवश्य करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। यदि विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय अवश्य करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए उत्पन्न एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें। इसके पश्चात स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। उत्पन्न एकादशी के दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके पश्चात उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता कि उत्पन्न एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का खास आशीर्वाद हासिल होता है। उत्पन्नादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्णा की मूर्ति की भी पूजा करके उत्पन्न एकादशी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का खास महत्व होता है। ऐसे में आज देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अवश्य अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। यदि आप उत्पन्न एकादशी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया अवश्य जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं।